फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम या डी हर्षवर्धन। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नवगछिया, मतदान के पूर्व मतदान केंद्र भवन होगा सैनिटाइज। एसडीओ ने सहायक निर्वाची पदाधिकारी कृषि पदाधिकारी के साथ की बैठक, दिए निर्देश। नौगछिया अनुमंडल कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में गोपालपुर विधानसभा के सभी सहायक निर्वाचित पदाधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक शामिल हुए। वहीं एसडीओ ने बैठक के दौरान सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी से चुनाव को लेकर की जा रही तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी बूथों पर शौचालय, बिजली, पानी, रैंप की सुविधा के संदर्भ में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिस भी बूथ पर कुछ कमी रह गई है उसे दूर कर लें। एसडीओ ने कहा कि चुनाव को लेकर मतदान से पूर्व सभी मतदान केंद्र के भवनों को सैनिटाइज किया जाना है, इसको लेकर भी प्रशासन स्तर से तैयारी कर ली गई है। नवगछिया एसपी ने पुलिस पदाधिकारी के साथ की मासिक अपराध गोष्ठी। 67 अपराधियों का CCA 3 का भेजा गया प्रस्ताव, 881 को किया गया बाउंड डाउन। नौगछिया एसपी कार्यालय में नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीपीओ दिलीप कुमार सहित नौगछिया एवं बेपुर सर्किल के इंस्पेक्टर व नौगछिया टाउन थानाध्यक्ष अमर विश्वास शामिल हुए। अन्य सभी थाना के थानाध्यक्ष एवं पुलिस पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान एसपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर की जा रही तैयारी की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सभी थानाध्यक्ष को अपने अपने क्षेत्र में मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। वहीं नौगछिया एसपी ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर पुलिस जिले से 67 अपराधियों की सूची CCA 3 के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें अब तक 24 अपराधियों पर CCA 3 की कार्रवाई हो चुकी है। विधि व्यवस्था के मद्देनजर 4711 लोगों पर 107 की कार्रवाई की गई है। 881 ऐसे दबंग जो चुनाव के दौरान व्यवधान कर सकते हैं उन्हें बाउंड डाउन किया गया है। इसके साथ ही पुलिस जिले में 423 लाइसेंसी शस्त्र का सत्यापन भी किया गया है एवं 108 शस्त्र जमा भी कर लिए गए हैं। नवगछिया के खरीक में 3 लाख रुपए के साथ एक धराया। खरीक थाना क्षेत्र के नैचकतीस पर चकमैदा चौक के समीप मंगलवार की शाम सीओ निशांत कुमार एवं थानाध्यक्ष पंकज कुमार के नेतृत्व में प्रतिनियुक्त सर्विलांस टीम के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवार एक युवक को रोककर तलाशी लिया, जिसके पास से 3,50,600 रुपए बरामद हुआ, जिसके बाद युवक से पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर रुपए जब्त कर लिया गया। जबकि पुलिस युवक से देर रात पूछताछ कर रही है। वहीं युवक ने बताया कि मैं मक्का व्यवसायी हूं और मक्का का ही बकाया रुपए वसूली कर घर जा रहा था, इसी दौरान चेकिंग के दौरान मेरा रुपए जब्त कर लिया गया। युवक खगड़िया के बेलदौर थाना क्षेत्र के बेलौवा गाँव का निवासी मुकेश शाह है। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि जब्त रुपए को ट्रेजरी में जमा करने की प्रक्रिया की जा रही है। ये इलेक्शन कमीशन के तरफ से हर एक विधानसभा में 3 SST स्टैटिक सर्विलांस टीम का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस पदाधिकारी होते हैं और मजिस्ट्रेट साहब होते हैं। इनका काम होता है जैसे शराब, आर्म्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह, पैसे का इधर उधर नहीं हो, उस सब के लिए बनाया हुआ है। पैसा के लिए है कि 50,000 से ज़्यादा का लिमिटेशन नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं लेके जा सकते हैं। उसी का चेकिंग होता है हर जगह पर। उसी चेकिंग के क्रम में इनके पास में से 3.5 लाख रुपया बरामद हुआ है, जिसका सीजर मजिस्ट्रेट साहब बनाएंगे और जो प्रोसीड्योर है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? बेलदौर थाना बता रहे हैं, खगड़िया के रहने वाले हैं और अभी नौगछिया से पैसा लेके आ रहे थे, तो बाकी चीज़ें जाँच की बात है। लेकिन जो इनके पास से पैसा मिला है उसका वीडियोग्राफी करवाया गया है और उसका बजाबते जो विधिवत सीजर बना करके हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। बेलदौर थाना खगड़िया में घर जा रहे हैं ना, यहाँ पे हमको बोला गया कि यहाँ से उठा लीजिए पैसा। मैंने आप उनका पैसा है जो आप उठा के ले जाए, यहाँ कहाँ से लाए? विनोद जी के, विनोद किराना दुकान
है उनका, मैदा आया था, मैदा वाला पैसा हम लोग मकई का धंधा करते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, किशोर जी का दुकान किधर है? इसी जी का दुकान है, क्या कहते हैं, दुर्गा स्थान से हम थोड़ा सा आगे जाके इधर कट्टर नहीं होता था। चुनाव को लेकर दोनों विधानसभा क्षेत्र में पुलिस गतिविधि तेज, जगह जगह चलाया गया चेकिंग अभियान। नौगछिया पुलिस जिले में दोनों विधानसभा क्षेत्र में अब आपत्तिजनक वस्तु, निर्धारित मात्रा से ज्यादा रकम और अवैध हथियार के साथ दबंग व अपराधी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों बिहपुर एवं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस की गतिविधि तेज हो गई है। चुनाव के दौरान कहीं भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसको लेकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हो, इसको लेकर पैरामिलिट्री की 3 कंपनी नौगछिया पहुंच चुकी है। इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स के साथ सर्च अभियान व फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। मंगलवार को नौगछिया पुलिस जिला के SP स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां वाहनों की जांच की गई। इसके साथ ही दोनों विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए स्टेटिक सर्वेलेंस टीम द्वारा भी सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच हुई। SP ने कहा कि दोनों विधानसभा में 6 स्टेटिक सर्वेलेंस टीम द्वारा वाहनों की जाँच की जा रही है। वही चेकिंग अभियान के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर बिना मास्क के गतिविधि करने वाले, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। बिना मास्क के गतिविधि करने वाले 56 लोगों से 2800 रुपए एवं ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वाले 6 वाहन चालकों से 5500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। चुनाव को लेकर पुलिस हर गतिविधि पर निगरानी कर रही है। इधर नौगछिया शहर में भी चुनाव के मद्देनजर टाउन थाना अध्यक्ष अमर विश्वास के नेतृत्व में पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। गोसाईगों के पशुपालक नटवर के अपहरण के बाद हत्या की आशंका, पत्नी सोनी देवी ने पुलिस को आवेदन देकर लगाई गुहार। नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत गोसाईगों निवासी पशुपालक नटवर यादव का अपहरण PWD सड़क पर स्थित बासा से सोमवार की शाम को अपहरण कर हत्या करने की आशंका जाहिर करते हुए पत्नी सोनी देवी ने गोपालपुर थाने में लिखित रूप से आवेदन देकर पति नटवर यादव को सकुशल बरामद करने की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार नटवर सोमवार की दोपहर के बाद अपने घर से साइकिल से सामान लाने के लिए मकनपुर चौक गया हुआ था। मकनपुर चौक से वापस अपने बासा पर आया, क्योंकि बासा पर साइकिल पर टंगा सामान व उसका चप्पल सही सलामत रखा हुआ है, परंतु नटवर यादव गायब है और अब तक उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। मकनपुर चौक से उसे अपने बासा पर आते उसके भतीजे ने भी देखा था, परंतु 24 घंटे से भी अधिक समय से लापता होने के कारण नटवर के परिजन अनहोनी की आशंका व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि कुछ माह पूर्व सिंधिया मकनपुर के किसान मंटू चौधरी की हत्या अपहरण के बाद कर दी गई थी और स्वर्गीय चौधरी का बासा भी नटवर के बासा के आसपास स्थित है। गोपालपुर पुलिस ने वरीय अधिकारी के निर्देश पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर पूरे मामले की गहन छानबीन करने की बात परिजनों से कहा है, तथा परिजनों को भी नटवर का पता लगाने को कहा गया है। नवगछिया, फाइनेंस का आदमी बताकर अपराधियों ने चालक को बंधक बनाकर स्कॉर्पियो की लूट। नौगछिया थाना क्षेत्र के NH 31 पर अनुमंडल कार्यालय के समीप स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पर सवार 4-5 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने सोमवार की सुबह 8 बजे स्कॉर्पियो चालक को बंधक बनाकर स्कॉर्पियो लूट की घटना को अंजाम दिया है। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने स्कॉर्पियो पर सवार चालक व एक व्यक्ति को बंधक बना लिया। इसके बाद अपराधियों ने दोनों को खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र में NH 31 के किनारे उतार कर छोड़ दिया और स्कॉर्पियो को लेकर फरार हो गया। इस दौरान अपराधियों ने दोनों के साथ मारपीट भी की है। घटना के संदर्भ में पीड़ित स्कॉर्पियो चालक पूर्णिया जिला के झाझा कोठी थाना क्षेत्र के हाटबाड़ी निवासी जयराम के पुत्र श्रीमंत कुमार ने मंगलवार को नौगछिया थाने में आवेदन दिया है। घटना के संदर्भ में आवेदन मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बारिश से कदुआ का सड़क हुआ जलमग्न, राहगीर परेशान। मंगलवार की अहले सुबह हुई मूसलाधार बारिश से ढोलबजा व कदुआ की सड़क दूसरी बार फिर जलमग्न हो गया है। बारिश का पानी ढोलबजा थाना चौक समीप सड़क पर जमा है, तो वहीं थाना परिसर में भी भोला बाबा मंदिर में बारिश का पानी घुस गया है। इधर कदुआ ओपी थाना रोड पर भी कोशी बांध के समीप सड़क पर बारिश का पानी से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे राहगीर व स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताते चलें कि दोनों जगह सड़कों पर जमा हुए बारिश के पानी को वहां के ग्रामीणों ने करीब एक सप्ताह पहले ही पंपिंग सेट लगाकर बाहर फेंका था, जो फिर बारिश से जलमग्न हो गई। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा।
में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप, नया टोला नंबर 9534338689, 7856914231, 6206224713। नवगछिया, स्कॉर्पियो से 57 लीटर शराब बरामद। नवगछिया के झंडापुर OP पुलिस ने सहायक अवर निरीक्षक तारनंद रविदास के नेतृत्व में छापेमारी कर बीपुर चौक से अज्ञात स्कॉर्पियो से कुल 57 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने स्कॉर्पियो के साथ शराब जब्त कर लिया है। करंट लगने से की स्थिति गंभीर। रंगरा थाना क्षेत्र के साधोपुर में बिजली के करंट लगने से ब्रजेश कुमार 25 वर्षीय गंभीर रूप से झुलस गए। करंट लगने के बाद गंभीर स्थिति में परिजन ने युवक को इलाज के लिए नवगछिया मंडलीय अस्पताल लाया, जहां युवक का प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। नवगछिया के सिंधिया मकनपुर में बमबारी मामले में एक को भेजा जेल। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत गोपालपुर थाने की पुलिस ने पिछले दिनों में मकनपुर चौक पर बमबारी के मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत सिंधिया मकनपुर के प्रवीण शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बारे में सिंधिया मकनपुर के ही सूरत कुमार ने गोपालपुर थाने में लिखित आवेदन दिया था। नवगछिया रंगरा के चापर में जमीन विवाद में मारपीट, मामला पहुंचा थाना। नवगछिया के रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के चापर गांव के निवासी राजेंद्र यादव को जमीन विवाद में उनके पड़ोसियों ने जबरदस्त पिटाई कर घायल कर दिया। इस बाबत राजेंद्र यादव ने रंगरा थाने में गांव के ही रवि यादव, अमन यादव, साधो देवी और नीतू देवी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए मारपीट कर घायल करने और जान मारने की धमकी का आरोप लगाया है। रंगरा पुलिस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। नारायणपुर के बिरबन्ना में सघन वाहन जांच। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH 31 बिरबन्ना चौक पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार भवानीपुर थाना के सहायक अवर निरीक्षक अनिल रविदास एवं BSF के जवानों ने चार पहिया वाहन का सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान मास्क लगाना अनिवार्य एवं वाहन संबंधित कागजात अपने वाहन में रखने का हिदायत दिया गया। नारायणपुर मारपीट में प्राथमिकी दर्ज। भवानीपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में मारपीट को लेकर नारायणपुर निवासी प्रकाश यादव की पत्नी रंजना देवी ने गांव के ही जनमनी यादव, बुचनी देवी, कृष्णा यादव, रोहित यादव के विरुद्ध गाली गलौज व मारपीट का आरोप लगाते हुए भवानीपुर OP में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उक्त जानकारी थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने दिया। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप, नवगछिया, भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80, 8225 6905, या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079, 7549688888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। 1, 2, 3, come on! खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।